हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ट्रेडिंग फैब का क्विकली इंट्रो दे देते हैं। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है या फिर एंजल ब्रोकिंग है। ये चारों भी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है, टॉप मोस्ट ब्रोकरेज फर्म्स है इंडिया के, और इसका ऑथराइज पार्टनर है ट्रेडिंग फैब। एक मेगा ऑफर है सबके लिए, अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है, इक्विटी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस, इसका मेंबरशिप आपको फ्री में मिल सकता है। और एक ऑफर है जो हमारा बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, उसके लिए भी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये हर कोई कोर्स कर सकता है जो फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है, जो और अपना स्टडी इम्प्रूव करना चाहता है, सबके लिए है। तो ये एक मेगा ऑफर है सभी के लिए। तो ये था ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट यहाँ से आपको क्लिक करना है अप्लाई हियर के ऊपर, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है, तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सभी ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। तो अकाउंट होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके और आपको प्रीमियम इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो आप इन चारों में से कोई भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यह था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में छोटा सा इंट्रो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 19 अक्टूबर 2020, मंडे है, सुबह के 8:26 हो रहे। तो पहला ट्रेडिंग सेशन है निफ्टी इंडेक्स का। फ्राइडे को हमने देखा एक चौपीनेस निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रहा था, साइडवेज पैटर्न में ट्रेड कर रहा था। एक फॉल आया था वीकली एक्सपायरी के दिन यानी थर्सडे को, और उसके बाद एक चौपी मार्केट। तो आज के निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये पिक्चर है 16 अक्टूबर यानी फ्राइडे का, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,742। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ने शुरुआती 5 मिनट में ही ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद फर्स्ट टारगेट 11,762 ये यहाँ पर अचीव किया, और यहाँ से ये फिर से एक बार इस रेंज के अंदर ही पूरा दिन ये रेंज के अंदर ये साइडवेज पैटर्न में ट्रेड हो रहा था। यहाँ पर इसने कई बार ये जो फर्स्ट टारगेट है इसके पास इसने पेनेट्रेट करने की कोशिश की, सेकेंड टारगेट भी अचीव किया एग्जैक्ट इसी लेवल के पास। फ्राइडे का हाई देखे तो जो सेकेंड टारगेट था हमारा उसी लेवल के पास इसने हाई क्रिएट किया और एक साइडवेज पैटर्न में ये क्लोज हुआ। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 11,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के आपको यहाँ पर हरे निशान में मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखाई दी। डाउ फ्यूचर देखें तो 147 पॉइंट की बढ़त दिख रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से इस समय एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के संकेत आ रहे हैं, लेकिन जब तक प्रीवियस स्विंग हाई को ये ब्रेक नहीं करता तब तक ये जो फॉल आया था थर्सडे का ये उसके बाद रिकवरी है ऐसा हम कह सकते हैं। वीकली चार्ट से निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है। लास्ट वीक हमने देखा 12,000 के पास, जहां से ये फेब्रुआरी मंथ में ये फॉल शुरू हुआ था। 12,000 लेवल एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है 12,000, तो इसके पास से लास्ट वीक भी हमें एक रेजिस्टेंस एक हर्डल देखने को मिला और यहाँ से ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया। तो 38.2% का जहाँ पर लेवल बन रहा था 11,650 के पास, यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया। अभी 12,000 के ऊपर निफ्टी इंडेक्स क्लोज देता है तो यहाँ से हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है कंटिन्यू होते हुए। अदरवाइज 11,650 के नीचे क्लोज होता है तो हमें 20 EMA के पास निफ्टी इंडेक्स पहुंचता हुआ फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर देखें तो ये अपसाइड स्ट्रक्चर बना हुआ है, 20, 50, 100 शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस फिर से एक बार असेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर बने हुए हैं। फेब्रुआरी के बाद ये स्ट्रक्चर फिर से बना, तो स्ट्रक्चर बुलिश है। लेकिन जो ये अपसाइड जबरदस्त अपसाइड मूव हमें देखने को मिला है
10,800 के लेवल के पास से ऑलमोस्ट 12,000 यानी करीब 1200 पॉइंट की अप मूव के बाद एक करेक्शन आना तो लाजमी होता है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पर अभी ये जो करेक्शन आया है, हमने ये जो लो और ये हाई है इसको पकड़ के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर इसने फर्स्ट तो 23.6% का ये जो लेवल है यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया। अभी ये इसने 38.2% के लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट किया। नेक्स्ट लेवल जो 50% का ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास आ रहा है यानी 11,600। अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज होता है आर्ली चार्ट में या फिर 2 आर्ली चार्ट में तो हमें ये 11,600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं और ये मेजर सपोर्ट्स होंगे। यहाँ से निफ्टी इंडेक्स से एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। लेकिन आज जैसे कि हम ग्लोबल सिनेरियो देख रहे हैं काफ़ी बुलिश है तो हो सकता है निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार 11,800 के पास एक रेजिस्टेंस फेस करे। 11,800 के पास अगर ये आके हर्डल फेस करता है तो निफ्टी यहाँ से फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ मूवमेंट हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। एक बार 2 आर्ली चार्ट देख लेते हैं। 2 आर्ली चार्ट में अभी ये इंट्राडे टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं ये क्लियर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है। तो नीचे 11,700 अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास से ये टर्न हुआ है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट है 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है और ऊपर ये 20 EMA जहाँ पर 11,820 का लेवल आ रहा है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जब भी इस मूविंग एवरेजेस के बीच में ये ट्रैप हो जाता है इन तीनों में तो एक साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिलता है निफ्टी इंडेक्स में। तो आज इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है निफ्टी में, तो अगर आप देखें तो अगर निफ्टी इंडेक्स ऊपर चला जाता है तो क्विकली यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हर्डल्स है, एक 50 EMA है एक 20 EMA एज पर आर्ली चार्ट। तो इन मूविंग एवरेजेस को क्लियरली ब्रेक होने दे यानी ये लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट में इसने कई बार सपोर्ट का काम किया इस लेवल ने तो हो सकता है अभी ये आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करे। तो ये लेवल हो सकता है हमारा ब्रेकआउट लेवल। तो हम इस लेवल के ऊपर यानी 11,820 के ऊपर अगर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,842। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,867। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर फ्राइडे को एक स्विंग लो बना था। तो ये जो स्विंग लो है यानी 11,718 इस लेवल के नीचे अगर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं पास्ट में एक दिन इसने जबरदस्त इस लेवल को पेनेट्रेट किया था एज अ सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट कर रहा था ये। तो 11,718 के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजिशन बनाएंगे और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एक क्विकली टारगेट होगा 11,695, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,669, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।